मेरा नाम है शिवांश एंड वेलकम टू एकोस कैफे। ये कैफे 2015 में मैंने और मेरे दो दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था, जिनका नाम है साहिब साहिल। हम लोग स्टार्टिंग से फूड बिजनेस की तरफ बहुत मोटिवेटेड थे, ड्रिवन थे। हम लोग कुछ फूड बिजनेस में करना चाहते थे, सो वी केम अप विद एन आइडिया कि हम लोग अपने अपने जॉब्स छोड़ेंगे और एक रेस्टोरेंट कैफे ओपन करेंगे। वी वॉन्टेड इट टू बी अ मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल कैफे। सो हम लोग जब डिफरेंट आइडिया सोच रहे थे, तो दिस वॉज वन ऑफ द आइडिया दैट क्लिक कि हम लोग कुछ डेफ एंड म्यूट या डिफरेंटली एबल लोगों के साथ कर सकते हैं। जितना हमने अभी तक स्टडी किया था, ये लोग जिस भी इंडस्ट्री में और जहाँ भी जॉब कर रहे थे, दे वर ऑलवेज इन द बैक एंड। बट हम चाहते थे ये सामने आए, ये हमारे कस्टमर्स से इंटरेक्ट करें, जिससे लोगों को पता लगे कि ऐसा भी कुछ हो रहा है और दिस इज़ पॉसिबल, एंड इनको और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में और डिफरेंट जगह पे जॉब मिले। When we thought of this idea, we thought that we will have to incorporate some process जिसके अंदर customer इनसे interact कर पाए। So हमने क्या करा, हमने एक list बनाई उन items की। For suppose आप restaurant के अंदर आओगे, आपको menu चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, bill चाहिए होगा, fork, knife, spoon ये सब चाहिए होगा। तो हमने एक calendar form का एक setup करा, जिसको table पे रख दिया। So जब भी आपको कुछ चाहिए, आप बस अपना वाला पेज दिखाते हो कि मुझे water चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, waiter समझ जाता है, वो ले आता है। Second चीज़ हमने ये सोची कि waiter को बुलाया कैसे जाएगा, बिकॉज अब हेलो हाई यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। सो हमने हर पर्टिकुलर टेबल के ऊपर एक स्विच लगाया, हर पर्टिकुलर टेबल का एक स्विच है और हर पर्टिकुलर टेबल का एक बल्ब है। थर्ड थिंग था कि अब कस्टमर ऑर्डर कैसे करेगा। वॉट वी डिड वॉज कि हर आइटम का एक पर्टिकुलर कोड है, जैसे पास्ता है तो P1, P2, P3, अगर तीन टाइप के पास्ता हैं, शेक्स हैं तो K1, K2, K3। तो कस्टमर आता है, वो अपना कोड लिखता है। फॉर सपोज मुझे एक पास्ता चाहिए, P1 लिखा मैंने, आगे क्वान्टिटी लिखा, बटन दबाया, वेटर को बल्ब दिखा, वेटर आ गया, मैंने वेटर को स्लिप दे दिया, वेटर ने जाके ऑर्डर पंच कर दिया। दो तीन महीने के बाद मैंने ये चीज देखा, एज इन वी ऑल ऑब्जर्व कि दीज पीपल आर वेरी वेरी शार्प। आपको साइन लैंग्वेज नहीं आता, बट इनको आपसे बात करना आता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर टॉकिंग टू डोंट नो साइन लैंग्वेज। तो एक वो धर्मशाला चलता रहा कैफे के अंदर, तो ये काफ़ी फनी होता रहा कि जब मुझे कुछ इनको समझाना है या इनको मुझे कुछ समझाना है, तो टाइप हो रहा है या वी आर डूइंग सिंपल साइंस बर्गर हाउ कैसे होगा। धर्मशाला और ये गेम करते करते हम लोग थोड़ा सा साइन लैंग्वेज सीखे और ये चीज़ ईजी हो गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी एम सीन कस्टमर्स और ये दोस्त हो चुके हैं आपस में, एज इन इंस्टाग्राम एंड ऑल पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे का रील शेयर कर रहे हैं। सो दे मेक अ स्पेशल बॉन्ड, दे गिव अ स्पेशल एक्सपीरियंस अदर देन जस्ट सर्विंग फूड ओवर देयर। जब वो इनको ये काम करते हुए देखते हैं और ये देखते हैं कि ये कमा रहे हैं, अपनी लाइफ अब खुद चला सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे भी, इनके पेरेंट्स या फैमिली इनके ऊपर प्राउड फील करती है।